जाती है। जब भी हम बैक क्लिक करते हैं तो वेब व्यू अगर बैक ना जाए तो वाइड स्क्रीन शो हो जाती है। वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम आज उसको सामने रखेंगे। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ऐप मेकर चैनल, और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। जाते हैं अपने एप्लीकेशन की तरफ, ब्राइटन न्यू एप्लीकेशन, वेब व्यू एप्लीकेशन। मैं ये नाम दे देता हूँ, आप जो मती नाम दे देते हैं। शो स्टेटस बार को टिक करें और टाइटल विजिबल करें। अब चाहिए हमें एक हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट, इसकी हाइट 3 पेरेंट और विड्थ 3 पेरेंट। अब हमें चाहिए एक वेब व्यू, यहाँ पे हम होम यूआरएल डाल देते हैं। मैं डाल देता हूँ गूगल का, आप जो मर्जी अपनी मर्जी से डाल सकते हैं। होम डिस्प्ले एंटिक कर देते हैं। अब आगे बारी ब्लॉग्स की, ब्लॉग करने के लिए स्क्रीन वन जब एनालाइज हो तो क्या हो, तो वेब व्यूअर कॉल ग्रो हो, वेन स्क्रीन वन बैक प्रेस वेब व्यूअर कॉल कैन गो बैक। इसलिए हमें चाहिए एक इफ देन और एक लॉजिक। इफ कॉल गो बैक लॉजिक नहीं चाहिए, इफ कॉल गो बैक कॉल कैन गो बैक देन कॉल गो बैक। अगर वेब व्यूअर बैक जाना चाहे तो डन हो जा सकते हैं। और हमें अब हमें एक इफ डन और देना पड़ेगा। अब हमें चाहिए एक लॉजिक नो। अब अगर वेब व्यूअर बैक नहीं जाएगा देन क्या हो, देन वेब व्यूअर कॉल आर नोटिफाई। अब हम एक नोटिफाई कर लेते हैं, ब्लॉग नोटिफाई कॉल आर नोटिफाई। अब हमें टेक्स्ट लिखने में थोड़े से कंप्लीट हो गया है। अब हम एप्लीकेशन को टेस्ट करने के लिए थिंकरबर्ड लाइव टेस्ट क्लिक करते हैं।
करते हैं एनीथिंग ब्रेड कोई भी चीज खिला छोटी सी प्रॉब्लम और सॉल्व करनी पड़ेगी। जब अगर टेंशन हो जाए तो ब्लैक ट्यूबर गो होम बैक प्रेस करते हैं तो क्या होता है बैक प्रेस देन ये होम पेज आ गया। ये बैक प्रेस करेंगे ये देखेंगे ये नोटिफाई आर यू क्विट अगर कैंसिल करेंगे कैंसिल पे क्लिक करेंगे तो वापस होम आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।